इतने थले खून पे पत्थर मैं पूरन चंद सबका सरपंच पंचायत हल्का ढगर मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि हमारे यहाँ एक पुल है, बड़ी देर से वो खराब है, बहुत ही खस्ता हालत है उस पुल। ब्रिज का नाम है ढगर और सरोला को जोड़ने वाला वो पुल है और वहाँ से अपना उधमपुर बसंतगढ़ का सारा पूरा रास्ता उसी पुल से आना जाना होता है सब लोगों का। तो वो बड़ी खस्ता हालत है और वो पुल इतना बेकार हो गया है। वहाँ लकड़ी का पुल है, रिपेयर की थी बीच में कई साल एक पहले रिपेयर की थी, लेकिन उसका कोई सही ढंग से रिपेयर नहीं हुई, वो सड़ गया, वो बिल्कुल लकड़ी सड़ी हुई है। और एक लड़का जो कि अनिल कुमार सन ऑफ सुरजीत कुमार आरो ढगर ढगर का रहने वाला है और सरोला अपनी दोहार में जा रहा था, तो वो पुल टूट गया और टूटने के बाद पुल के ऊपर से वो नीचे दरिया में गिरा लड़का, उसका बाजू टूट गया है और सिर में चोटें आई हुई हैं। अभी हॉस्पिटल में लाया था, एक्सरे वगैरह या ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। तो मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि ऐसे हादसे जो आते हैं कहीं भी उन पर ध्यान दिया जाए, और हमने बार बार बोला है लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ वहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कोई रिपेयर की कोई बात नहीं हुई और ना ही किसी ने कोई। पूर्ण जी बताएं कि उस ब्रिज से कितने लोग रोज गुजरते हैं उस पुल से? अभी तो सर्दियों के टाइम है, फिर भी 1000-1200-1500 लोग तो आना जाना होता है रोज का जी। ये कितने वहाँ पर और कितने गांव हैं जिन गांवों को ये पुल जो है जोड़ने का काम करता है वहाँ? ये गांव के लिए डिस्ट्रिक्ट की बात करो आप, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर उसी रास्ते से आना जाना होता है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जितने भी लोग आते हैं, बसंतगढ़ है, खनेड है, लोधरा पनारा या जो जितने भी लोग आते हैं वो सभी उसी रास्ते से आते जाते हैं। बदलौता जाना है या कहीं और इधर लोही मलार जाना है तो उधर से होके भी जाते हैं बहुत सारे। इससे पहले आपने कंसर्न डिपार्टमेंट से नहीं कहा उसको या प्रशासन से नहीं कहा कि उस पुल को बदलने की ज़रूरत है वहाँ पर? आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक युवक उस पुल ब्रिज से नीचे गिरकर उसका काफ़ी चोटें उसको आई हैं, बाजू टूट गया है, तो ये इन हादसों का क्यों इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले क्यों उसको बदल जा रहा है? मैंने बार बार बोलता रहता हूँ, मैं जो कुछ ऐसे समस्याएँ होती हैं उनके बारे में मैं कुछ बोलता हूँ, बताता रहता हूँ, लेकिन कोई उसका कोई अमल नहीं होता है और ना ही कुछ भी देखने वाला है कोई। क्यों नहीं सुनवाई होती है, क्या लगता है आपको? सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। मैंने बोला था उसका काम हुआ, रिपेयर हुई, तब भी हमने उसको जो रिपेयर हो रही थी तो वो सड़ा हुआ लकड़ी का पुल था, उसके ऊपर से पेंट करके वो दिखा रहे थे कि खाली पेंट करके, और ये प्रशासन की बहुत कमजोरी है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि ऐसे हादसों से कम से कम बचें और लोगों को बचाएं और ध्यान दें, कोई अगर कुछ भी किसी भी इलाके की समस्या है तो ध्यान दें। आए दिन बिजली की बड़ी समस्या होती है यहाँ पे। मैंने यहाँ पर आपको मिलेंगे लग्जरी और अन्य सेवाएं भी, इसके साथ साथ पहली बार आने वाले ग्राहकों को 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है होटल नटराज। तो बनी में जब भी होगी होटल की बात तो एक ही नाम होगा यार।